वालेकुम अस्सलाम, कौन है आप? मैं यमुना साहिबा का वकील हूँ और मुझे उनकी बेटियों से मिलना है। मगर बच्चियां तो अभी सो रही हैं। आप ऐसा करें, आप आए, मैं उन्हें जगा देती हूँ। आ जाइए जी। मेरा नाम बैरिस्टर आरिफ सिद्दीकी है। यकीनन आपकी मामा ने आपसे जिक्र तो किया होगा। किस बात का जिक्र? उसी केस का जिक्र जो आपकी मामा का घर के बारे में चल रहा है। घर का केस? लेकिन क्यों? ओह, इसका मतलब है कि आपकी मामा ने आपको कुछ नहीं बताया। उन्हें आप लोगों को बता देना चाहिए था। तो आप बता दीजिए बैरिस्टर साहब, क्या बात है? मेरे पास आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। हौसले से सुनिएगा कि मामा ने पहले तो कभी ऐसी कोई बात हमें नहीं बताई, मामूली से इशारा तक नहीं किया, और हमें तो ये तक नहीं पता कि घर की जमीन पर इतने अरसे से केस चल रहा है। आपकी बातें तो हमारे सर पर से गुजर रही हैं बैरिस्टर साहब। इस घर का प्लॉट तो मेरे और हेवा के नाम पर था। जानता हूं आप दोनों ही के नाम था, पर मुझे यह भी मालूम है कि इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी यमुना साहिबा के नाम थी। कुछ साल पहले इस प्लॉट का एक और दावेदार पैदा हो गया था, तब उन्हें मालूम हुआ कि यह प्लॉट डिस्प्यूटेड है। किसी शख्स ने इसके फेक डॉक्यूमेंट तैयार करवा के आपके वालिद की याद फरोख्त कर दिया था। तब से ये केस अदालत में चल रहा था, और मुझे आज इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप लोग ये केस हार चुके हैं। उन लोगों ने अदालत से मकान खाली करवाने की ऑर्डर्स ले ली। मामूली सा स्ट्रक्चर है, वो लोग बहुत थोड़े से पैसे जमा करवा देंगे। मैंने अदालत से एक हफ्ते का टाइम लिया है, और आप लोगों को एक हफ्ते के अंदर अंदर अपना सामान कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, वरना इसके हाथ जो कुछ लगेगा लेके चलता बनेगा। पर एक बात और कहनी थी आपसे, मेरी इस महीने की फीस ड्यू है, उसका ख्याल रखिएगा। चलता हूँ। हमारे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था हमने किसी का? ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हो गया था जिसकी इतनी बड़ी सजा मिली? तो मुझे समझाती थी ना, फिर आज क्यों खुद ना समझ बन रही हो? तुम्हें याद है जब कभी कोई तकलीफ आती थी, कोई चोट लगती थी या दर्द होता था, तो मामा हमसे क्या कहती थी? वो हमेशा कहती थी कि आजमाइश और सजा में फर्क होता है। आजमाइश तो उन लोगों की होती है ना जो अच्छे होते हैं, जो अल्लाह के करीब होते हैं, और जो खुद को अल्लाह के करीब समझता है ना, वो खुद को अकेला समझ के रोता नहीं है। तुम
भी नहीं रोकी हम। अगर अन्ना ने हमसे हमारी मामा ले ली तो वो खुद तो हमारे साथ है ना, और हमेशा रहेंगे। ये हमारी आजमाइश है। बेटा, बाहर कोई लड़की आपसे मिलने के लिए आई है। वो हमेशा एक ही बात कहा करती थी कि दुबा और हिबा को कभी भी किसी बात का पता नहीं चलना चाहिए। वो मामूली सी परेशानी भी आप लोगों से छुपाती थी। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द आप दोनों की शादी हो जाए और आप दोनों अपने अपने घरों में खुशबाश रहें। इसीलिए छोटी से छोटी बात भी आपसे छुपाने की कोशिश करती थी। कमाल साहब से शादी भी उन्होंने इसीलिए की थी क्योंकि वो तने तनहा अपनी लाइफ में लड़ते लड़ते थक चुके थे। लेकिन मामा ने बैंक से इतना बड़ा लोन क्यों लिया था? आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी मिस्टर पे? बहुत सालों से बुटीक का काम लॉस में जा रहा था। दो से तीन बड़े फ्रॉड हो चुके थे हमारे साथ। एक बार वो बाहर से नई मशीनें मंगवाना चाहती थी, डीलर सारी रकम लेकर गायब हो गया। अतीक साहब हमारे ऑफिस के मैनेजर रिकवरी की रकम लेकर गायब हो गए। हर कोई उनके अकेले होने का फायदा उठाता था और वो हर दफा चुपचाप सहती चली गई, बर्दाश्त करती चली गई। नौबत यहां तक आ गई कि बुटीक के पेपर्स बैंक में रखवाने पड़े। बुटीक के कागजात बैंक में? जी, मैम एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बैंक को इंस्टॉलमेंट की शक्ल में हर महीने देती थी। पिछले दो माह से बैंक की इंस्टॉलमेंट्स भी ड्यू, जो मार्कअप होने की वजह से एक बहुत बड़ा अमाउंट बन चुका है। वो आप दोनों की शादी के बाद बुटीक को सेल कर देना चाहती थी ताकि कर्जों से छुटकारा हासिल कर सके। आखिर के दिनों में वो बहुत परेशान रहने लगी थी, बहुत ज़्यादा। दूबा की मंगनी टूटने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगी थी। शायद इन्हीं सब परेशानियों ने मिलकर उनकी जान ले ली। अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए और आप दोनों को सब्र अता करे। मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज़। हर बात छुपाती थी। उनकी असल परेशानी तो यही थी ना कि हमें कुछ भी ना मालूम पड़े। दुबा वो हमें कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, इसीलिए हर बात खुद पे लेती रही। काश कहीं से हमारी मामा आ जाए तो मैं इनसे लड़ू, उनसे झगड़ा करूं कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। सारी जिंदगी हमें इतना क्यों पैपर रखने की कोशिश की। अपने दुख, अपनी तकलीफें और अपनी परेशानियां हमसे शेयर करने से वो क्यों कतराती रही? मामा, ये आपने अच्छा नहीं किया, नहीं किया मामा आपने ये अच्छा।
रूपा नींद नहीं आ रही ना? मुझे भी नहीं आ रही। जब मामा होती थी ना साथ, तो मुझे फौरन नींद आ जाती थी, लेकिन अब कितनी देर तक मैं लेटी रहती हूँ, नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है मामा ने आवाज दी है और अब वो मेरे जवाब का इंतजार कर रही है। इसीलिए यहाँ बैठी हूँ, मुझे यहाँ बैठ कर मामा का इंतजार करना बहुत अच्छा लगता है। मैं घंटों उस ड्राइवर को देख के थकती रहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अभी ये जगह ऐसी सुनसान नहीं रहेगी, यहाँ मामा की गाड़ी आकर रुकेगी और मामा निकलेंगी मुस्कुराती हुई। रूपा, did you feel something? मुझे मामा की खुशबू आई थी अभी, मामा की खुशबू। मामा हमारे पास आई थी, मामा आई थी हमारे पास, मामा आई थी, मामा चंद लोगों के लिए आई थी जरूर। मामा को हमारे कितना ख्याल है ना, वो बैठ के भी हमें देख रही है, ऐसा आईना अपने कमरे में मत लगाओ जिसमें तुम्हें किसी और की शक्ल नजर आए। ये बेवकूफी है बिलकिस, ये बेवकूफी है। मोहब्बत देने का नाम है, कुर्बानी का नाम है, मोहब्बत दूसरे इंसान के जज्बात की कद्र करने का नाम है। मेरे बाद तुम मेरी बेटियों का एक बाप की तरह ख्याल रखोगे ना? वरना तुम अपना रास्ता भी खो दोगे और हमारा भी। हमारे टिकट्स आ चुके हैं, अमेरिका जाने वाले हैं हम। मैं तुम्हें किसी नए रास्ते पर नहीं मुड़ने दूंगी कमाल, सुना तुमने? मैंने कुछ नहीं सुना, मैं कुछ नहीं सुन सकता। मैं बहरा हूं, मैं पागल हूं, मैंने कुछ नहीं सुना। मैंने उन बच्चियों के पास जाने, वो अपनी माँ को मिस कर रही है, परेशान होंगी और रो रही होंगी, बल्कि रो रही होंगी। मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। मेरी बात सुन। इस वक्त अगर तुम उनके घर जाओगे तो लोग क्या तुमसे पूछेंगे नहीं क्या रिश्ता है तुम्हारा उनसे? उनकी और अपनी इज्जत का ख्याल रखो। क्या जवाब दोगे लोगों को बताओ, क्या जवाब दोगे? इस वक्त तुमने नींद की दवा खा रखी, ड्राइविंग मना है। मैं तुमसे वादा करती हूँ सुबह मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अभी सो जाओ, सो जाओ।
मामा, बाबा की अब तबीयत कैसी है? रात को नींद तो ठीक तरह से आती है उनको? लगता है अपनी नींद भी उस औरत की कब्र में साथ ही दफनाए। चले पैर की बिल्ली की तरह फिरते हैं सारे घर में, जैसे किसी बहुत ही कीमती चीज को ढूंढ रहे हो। मगर इस बार तो डॉक्टर ने उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स दी हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उनको अभी भी नींद ना आए? जिन लोगों की रूहों के साथ आसेब चिमट जाते हैं ना, दवाइयां उन पर बेअसर हो जाती। मैंने सोच लिया मां, इस बार मैं उनको अमेरिका से वापस पाकिस्तान नहीं आने दूंगा, वो वहीं सुहेल भाई के पास रहेंगे। और आप भी प्लीज, आप भी उनके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारें, उनको मोहब्बत और तवज्जो दें, उनको एक पेशेंट समझ के ट्रीट करें। आपके लहजे में ये तलखी नहीं होनी चाहिए जब आप उनसे बात करें, प्लीज। जब तक तुम्हारे बाप की आंखों में मुझे उस औरत का अक्स नजर आता रहेगा, उस वक्त तक मेरे लहजे की तलखी नहीं जा सकती। मामा, वो औरत उनकी जिंदगी से अब जा चुकी है, कोई अक्स वक्स बाकी नहीं रहा उसका। अब आपको बाबा को अपने साथ का एहसास दिलाना है, अपनी मोहब्बत और वफादारी का यकीन दिलाना है। मामा, बाबा कहाँ जा रहे हैं? देख लिया, और तुम कहते हो कि वो औरत उनकी जिंदगी से निकल चुकी है। कुछ बोलो ना तूफा, तुम्हें लगता है मेरे पास बोलने के लिए कुछ बाकी बचा होगा? क्या डिक्शनरी में ऐसे अल्फाज पाए जाते हैं वो जिनसे हम एक दूसरे को झूठी तसल्लियां दे सके? मुझे मामा के पास जाना है। Thank you.
मैं तुम्हारा मुशरिक हूँ यमुना। मौत तो बरहक है, अपने वक्त पर आती है, लेकिन कभी कभी इंसान को ऐसा लगता है कि एक मुस्कुराते जीते जागते इंसान इंसान को बेमौत मारती है। मैं इसी वहम में मुब्तला हो चुका हूँ। काशी में इस खबर के खाक की चादर को हटा के मैं तुमसे पूछ सकता हूँ, तुमसे तुम मुझसे खफा तो नहीं हो? मैं तुमसे वफा न कर सका, मैं तुमसे वफा न कर सका, मुझे माफ कर देना यमुना, मुझे माफ कर देना। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। माँ और बाबा दोनों आ रहे हैं मेरे साथ। जी हाँ, अब वो कुछ अरसे के लिए आप ही के पास रहेंगे। बाबा के लिए अब ये बहुत जरूरी हो चुका है कि उन्हें इस माहौल से जितनी जल्दी मुमकिन हो दूर कर दिया जाए। नहीं सोहेल भाई, जब से पाकिस्तान आया हूं बाबा और मामा के यही मसले निपटा रहा हूं। बिजनेस मीटिंग्स के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिला। बस एक बार मैं बाबा को अमेरिका ले आऊं, उनकी तरफ से मुझे इत्मीनान हो जाए, फिर वापस पाकिस्तान आके सब प्लान कर लूंगा। एनीवेज, कल यहां के वक्त के मुताबिक 8 बजे टेक ऑफ करेगी हमारी फ्लाइट। ओके, इंशाल्लाह, सी यू। Thank you.
बहुत याद आती है। मामा बिल्कुल ठीक है, मैं आज कोई तकलीफ नहीं है, आप हमारी बिल्कुल फिक्र नहीं कीजिएगा, मैं बहुत खुश हूँ। मामा मैं अब लड़ती भी नहीं हूँ और ना ही तंग करती हूँ तूफा को आपके जाने के बाद। मैं बहुत बदल गई हूँ और पता है मैं बानो आंटी के हाथ का ऑमलेट भी खा लेती हूँ, मैं उन्हें भी कुछ नहीं कहती। तोबा बताओ ना मामा को, मैं तंग नहीं करती ना, बोलो। जी मामा, मामा मुझे भी अब आपके बगैर डर नहीं लगता। मैं आपका तकिया लेकर, आपकी चादर लेकर बगैर डर अब सो जाती। हाँ मामा, हुआ मामा को बुटीक वाली बात बता दे। नहीं चलो मामा के लिए दुआ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। किसकी कब्र पर फातिहा पढ़ने आए थे आप लोग? हमारी मामा की कब्र है। औरतों को कब्रों पर आने से मना किया गया है हमारे दीन में। उस दीन की हर बात भलाई के लिए होती है। तुम जैसी मासूम भोली भाली प्यारी बच्चियां तो घर बैठ कर अपने बिछड़े हुए प्यारों से बात कर सकती हैं। वो कैसे बाबा जी? उनके लिए कलामे पाक पढ़ा करो, सूरह मुल्क पढ़ा करो, सूरह इखलास पढ़ा करो। इंशाल्लाह तुम्हारी माँ तुम्हें ख्वाब में कुछ बात नजर आएंगी। इन बेजान कब्रों में कुछ नहीं होता बेटा, ये ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। परेशान लग रही हैं आप?
एक सजा सजाया घर जिसके दरो दीवार एक औरत ने मेहनत से सजाए हो, उसे छोड़कर जाना ऐसे है जैसे दुनिया छोड़कर जाना, क्योंकि औरत के लिए उसका घर ही उसकी दुनिया है ना। और देखो जरा, वो खुद तो दुनिया छोड़कर कब्र में जा सोई, मुझे मेरा घर छोड़कर जाने पर मजबूर कर दिया उसने। मामा, आप हमेशा के लिए नहीं, कुछ अरसे के लिए जा रही हैं। बाबा पुरानी बातों को भूल जाएं और अपनी इसी दुनिया में लौट आएं। आपके और उनके दरमियान वो औरत और उसकी यादें हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, सिर्फ तब तक के लिए। वैसे बाबा गए कहाँ हैं, अब तक आए क्यों नहीं है? हमें ठीक 6 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है मामा। फोन करो उन्हें, पता करो कहाँ है। उन्हें तो अपना होश नहीं है, खपती हो गए हैं बिल्कुल, न दिन का पता है न रात का। फोन करो। चले मेरा सेल फोन कमरे में, मैं कर गया। जी अंदर आने के लिए नहीं खाओगे? आई आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैंने आपको मना किया था ना यहाँ आने से, हमें आपकी हमदर्दियों की कोई जरूरत नहीं है। हिबा, तुबा तुम चुप करो, तुम बीच में मत बोलो। और आप सुनिए अंकल कमाल, आपका मुझसे और तुबा से कोई रिश्ता नहीं है। जो भी रिश्ता था वो मामा के साथ था, और मामा के जाने के बाद वो रिश्ता भी खत्म हो चुका है। अब आप सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए एक अजनबी हैं। बेटे मेरी बात सुनो, मेरे घर वाले मुझे जबरदस्ती अमरीका लेकर जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा, फिर बाप की हैसियत से मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगा। एक शौहर होने की हैसियत से आपने मेरी मामा की जिम्मेदारी निभाई थी, उन्हें जीवन साथी का एतबार, उससे मिलने वाला नाम और तहफ्फुज दिया था। नहीं ना, तो फिर आप हमें क्या दे पाएंगे? हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए अंकल, बल्कि मुझे तो आपके चेहरे पे अपनी मामा के खून के धब्बे नजर आते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपने मेरी मरती हुई माँ पर कोई भी एहसान किया होगा, इसलिए मुझे भी कोई एहसान नहीं चाहिए। और बेहतर भी यही होगा कि आप अपनी फैमिली के साथ अमेरिका चले जाएं। मामा के बाद आपको यहाँ पे कोई नहीं है। तो कुछ भी कहो बेटे, लेकिन मैं तुम्हें इतना बता दूंगी, तुम मुझे अपनी बेटियों की तरह अजीज हो। मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था, जानता हूँ मैंने उसका वैसे साथ नहीं दिया जिस तरह मुझे देना चाहिए था, लेकिन वो भी जानती है, तुम लोग भी जानते हो कि मैं तुम लोगों को कितना चाहता हूँ। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत और चाहत का जो किसी की मौत का बायस बन जाए? ऐसी मोहब्बत और चाहत को जाहिर नहीं बल्कि छुपा के रखते अंकल। बेहतर ये होगा आप चले जाए यहाँ से। हेबा, तुम दरवाजा बंद कर लेना। तुबा, इस घर के दरो दीवार से मुझे यमुना की खुशबू आती है। हिमा को तो मेरे यहाँ आना पसंद नहीं, लेकिन कभी कभी मैं आ जाया करूंगा। तो बेटे, अगर आपको किसी चीज की जरूरत है मुझे बिना झिझक फोन कर देना।